गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आप सभी को हर हर महादेव। आज है मंडे, मैं पूजा करके आ गई हूँ। घर में भी पूजा कर ली है, मंदिर में भी, और बस चाय बनाऊँगी। बच्चे स्कूल चले गए हैं और मुझे ना लेट हो रहा था, तो मैंने बाल धोए ऐसे ही मंदिर में चली गई जल्दी जल्दी बांध के। अभी खोली हूँ, पूरे गिल्ले हो रहे हैं एकदम। तो चलो चाय बनाती हूँ। चाय पीने का मेरा मन तो नहीं करता, लेकिन लगा रहता है कि व्रत में ना कि चाय पी लो, थोड़ा सा वो हो जाए। तो मैं अभी दुकान से कुछ लेके आऊँगी। सुबह ना गई थी दुकान पे, इतनी भीड़ हो रही थी, तो बस जल्दी जल्दी दूध लेके आ गई। अभी जाऊँगी, पैसे भी दे रखे हैं उन्हीं को मैंने, तो अपने लिए कुछ लेके आती हूँ, क्योंकि खाली चाय मेरे से पी नहीं जाती है। तो चलो दुकान चलती हूँ। पूजा भी हो गई, देखो कितना मन को शांति सी मिलती है ना पूजा करके। आप सब भी कान्हा जी को राधे राधे बोल दो। भोग लगा दिया है मैंने, ज्योत बत्ती कर दी सब। कोई बच्चे नहीं है, मुझे ही जाना पड़ेगा दुकान पे, कोई भी बच्चे नहीं दिख रहे हैं। ये भी आ गए हैं और अपने लिए लाए हैं छोले कचौरी, और मेरी चाय बन रही है यहाँ, और मखाने भून रही हूँ मैं। कहाँ से आए हूँ? कौन से स्कूल में? बार मैंने चाय बनाई थी ना, तो आप सबके कमेंट आ रहे थे कि आप एक गिलास भर के चाय पियोगे क्या। तो आज मैंने थोड़ी सी चाय बनाई है अपने लिए, सब बोल रहे थे वो एक गिलास चाय पियोगी। तो फिर तो छोले भी थोड़े ही डालू उसमें। दोपहर को खाने में क्या बनेगा आज? हाँ? क्या बनेगा दोपहर को खाने में? ये थोड़े छोले फालतू से लिया थे ना, रोटी रोटी बनानी पड़ती। चले गए हैं और चाय पी ली, और चाय पी के पता है क्या हुआ है, मेरे जाड़ में दर्द हो गया। मेरी जाड़ फूल रही थी पीछे से, मसूड़ा और उसमें मखाना फंस गया, और बहुत तेज दर्द होने लगा है यहाँ पे। मसूड़ा बहुत ज़्यादा, ऐसा मन कर रहा है पूरे दांत ऐसे भींच लूँ। तो ये चले गए हैं, ये स्कूल में गए हैं, इनको ना किस एडमिशन करवाना है, जो हमारी बड़े वाली नंद है ना, उनके लड़के का एडमिशन होना है देहरादून में, तो उसी के बारे में कॉलेज में बात करने गए हैं। तो अभी तो मैं फ्री फ्री हूँ आज, क्योंकि मैं खाना बनाने वाली थी, लेकिन मैंने ये आ गई बीच में ही, नहीं तो मैं बना भी देती। फिर मैंने इनको बोला, मैंने कहा खाना बताओ क्या बनाऊँ, कहने लगे तो देख लो क्या बनाना है। वैसे तो इन्होंने गोभी आलू ला रखा था, लेकिन मैंने इनको बोला चलो मैं मूँग की दाल की खिचड़ी बना दूँगी, जल्दी से बन जाएगी, और मैं आज टेंशन फ्री होकर सिलाई कर लूँगी। तो बस मैं अब सिलाई करने जा रही हूँ। बाहर कौन बांसुरी सी बजा रहा है, कहीं सांप तो लेके नहीं आए हैं? तो चलो सिलाई करती हूँ। तो ये देखिए गाइस, सिलाई करने के बाद मैं आ गई हूँ अपने किचन में। इतने बीच में मैंने सिलाई की है, फिर खाने का टाइम हो गया था, तो मैं मूंग की दाल की खिचड़ी बना रही हूँ। तो देखिए सिंपल तरीके से बनाऊँगी। वैसे तो बहुत से लोग इसको बिना छौंके भी बनाते हैं, लेकिन मैं तो छौंक कर ही बनाती हूँ, मुझे बिना छौंकी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है। तो मैंने रिफाइंड डाल दिया है और हींग जीरा डाल दिया है, और मैं ना ये वाली खिचड़ी रिफाइंड में छौंकती हूँ, तेल में नहीं छौंकती हूँ। तो बस पानी डाल दूँगी, और इस वाली खिचड़ी में ना बहुत ज़्यादा पानी डालना पड़ता है, पतली सी बनानी होती है ना, तो मैं नाप कर तो नहीं डालती हूँ कभी भी, अपने अंदाजे से ही ऐसे ही डाल देती हूँ, और मेरा अंदाज़ा एकदम सही भी बैठता है। बस ऐसे ही मैं अब इसको बंद कर दूँगी। तो ये दही भी लेकर आए थे, मूंग की दाल की खिचड़ी ना दही के साथ बहुत अच्छी लगती है, बहुत ही ज़्यादा।
मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, तो दही कर दूँगी इनका, और इतने 2-3 सीटी उसमें लगेगी, तब तक बनकर हो जाएगी ये तैयार। तब तक दही तैयार करके रख लूँगी। और ये निकाल रहे हैं मेरे लिए अनार, क्योंकि मेरा व्रत है, मैं अनार का जूस पीऊँगी। वैसे तो मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन अनार थे तो ये बोलने लगे चलो जूस निकाल देते हैं। तो ये देखिए खिचड़ी भी मेरी बनके हो गई है तैयार, और बिना गैस के ही, मतलब बिना सीटी के ही। आज बहुत टाइम भी इसको लग गया था बनने में, गैस ही नहीं बन रही थी ना कुकर में आज, और आज आटा भी नहीं था गूंदा हुआ, तो जो इसमें लगा देती, और ठीक नहीं हुआ है मेरा कुकर अभी भी। तो ये देखिए मेरा जूस भी बनकर हो गया है तैयार, देखते हैं कैसा लगता है पी के। एकदम रेड रेड लग रहा है, और मैंने घर में ही निकाला है अपनी मिक्सी में। ये देखिए पूरा एक ही गिलास जूस निकला है। चलिए मैं जूस पीता हूँ, ये खा रहे हैं खाना। ये देखो मुझा फट जा अनार का जूस पी के। तो गाइस सुना आपने मेरा गाना, मैं ऐसे ही गुनगुनाती रहती हूँ और अपना काम करती रहती हूँ। मुझे गाना गाने का और सुनने का ना बहुत ज़्यादा शौक है। मैं ना जब काम करती हूँ तब भी मैं टीवी चला देती हूँ, गाने चलते रहते हैं, और मैं अपना काम करती रहती हूँ। तो कमेंट करके ज़रूर बताना आपको मेरा गाना कैसा लगा और मेरी आवाज़ कैसी लगी। शाम का टाइम हो गया है, बर्तन वर्तन मैंने अभी साफ किए हैं, मैं ऐसे ही छोड़ देती हूँ। मैं शाम के टाइम ही करती हूँ बर्तन, तब थोड़ा बाल वाल कर भी करूँगी मैं। और मेरे सब में ना खुजली हो रही है आजकल बहुत ही ज़्यादा, और आज खाने में सोच रही हूँ आलू गोभी की सब्जी बनाऊँ। आलू गोभी बना लेती हूँ, पूरी और सिवई बना लूँगी। तो चलिए इस ब्लॉग का तो मैं एंड करूँगी यहीं, क्योंकि अगर शाम तक ले जाऊँगी तो बहुत लंबा हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो का लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ कल एक अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।